हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि एजुकेशन में। और आप सभी दोस्तों को आज स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी बधाइयाँ। तो आइए अब चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो आज का हमारा टॉपिक है भारतीय राज्य राजधानी मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस समय रेलवे ALP का एग्ज़ाम चल रहा है, तो जिसमें जिसका एग्ज़ाम मतलब एग्ज़ाम पेपर उठाकर देखा गया तो भारतीय राज्य और राजधानी से संबंधित एक न एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा गया, वहाँ के मुख्यमंत्री एवं राज्यपाल का नाम पूछा गया। तो इसको ध्यान में रखते हुए ये वीडियो बनाया गया है, ताकि आप इस वीडियो को देख करके अच्छे से तैयारी कर लें और एग्ज़ाम अच्छे से निकाल पाएँ। तो आइए देखते हैं आगे क्या है। उससे पहले मैं कहना चाहूँगी कि अगर आप पहली बार मतलब ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में आने वाले बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जा सके और आप सबसे पहले वीडियोज़ को देख सके। तो आइए चलते हैं अब अपनी टॉपिक की ओर। तो आइए देखते हैं भारत के कितने राज्य हैं और कौन सी राजधानी उसकी है, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है और राज्यपाल कौन है। तो आइए देखते हैं अब। तो सबसे पहले भारत में राज्यों की संख्या कितनी है। भारत में राज्यों की संख्या 29 है। तो देखते हैं इस क्रम में आगे बढ़ते हुए। यहाँ पे देखिए बिहार, बिहार की राजधानी पटना, वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, नीतीश कुमार, और राज्यपाल हैं सत्यपाल मलिक। यहाँ पे उसके बाद से दूसरा देखते हैं तो ये पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, और वहाँ की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, और राज्यपाल कौन है, केसरीनाथ त्रिपाठी। यहाँ पे त्रिपाठी, केसरीनाथ त्रिपाठी। उसके बाद से असम, असम की राजधानी दिसपुर, मुख्यमंत्री सर्वानंदा सोनवाल। उसके बाद से राज्यपाल जो हैं वो है PV आचार्य। फिर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू। कौन है, एन चंद्रबाबू नायडू, और वहाँ के राज्यपाल हैं EL नरसिम्हन। कौन है, EL नरसिम्हन। उसके बाद से देखिए उड़ीसा, वहाँ की राजधानी भुवनेश्वर, और मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, और राज्यपाल हैं SC जमीर। उत्तर प्रदेश, यहाँ की राजधानी है लखनऊ, और मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, और राज्यपाल हैं राम नाईक। आगे देखते हैं, आगे कर्नाटक, यहाँ की राजधानी बंगलोर, और मुख्यमंत्री हैं HD कुमार स्वामी, और राज्यपाल हैं बीजू भाई वाला। उसके बाद से अब आगे देखिए केरल, यहाँ की राजधानी तिरुवनंतपुरम, और मुख्यमंत्री कौन है, पिनाराय विजयन, और वहाँ के राज्यपाल हैं पीसत शिवम। फिर देखते हैं आगे गुजरात, यहाँ की राजधानी गांधीनगर, और मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी, और राज्यपाल है ओम प्रकाश कोहली या फिर ओपी कोहली। ठीक, अब आगे देखते हैं जम्मू कश्मीर, यहाँ की राजधानी श्रीनगर, यहाँ पे मुख्यमंत्री का पद मतलब पद जो है वो रिक्त है, और यहाँ पर अब वो राज्यपाल का शासन है। क्या है, राज्यपाल का शासन है। इसके पहले यहाँ पे महबूबा मुफ्ती थी मुख्यमंत्री, लेकिन इस समय यहाँ का पद खाली है और यहाँ पे राज्यपाल का शासन है। और राज्यपाल कौन है, NN बहोरा। कौन है, NN बहोरा। अब देखते हैं आगे तमिलनाडु, यहाँ की राजधानी चेन्नई, और मुख्यमंत्री हैं OP पनीर सेल्वम, और राज्यपाल हैं सी विद्या सागर राव। कौन है, सी विद्या सागर राव। आगे देखते हैं त्रिपुरा, यहाँ की राजधानी अगरतला, और यहाँ की मुख्यमंत्री हैं मणिक सरकार, और जो राज्यपाल हैं वो हैं तथागत राय। अब देखते हैं आगे नागालैंड, यहाँ की राजधानी कोहिमा, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रिए, और वो राज्यपाल है पद्मनाथ आचार्य। कौन है, पद्मनाथ आचार्य। अब देखिए पंजाब, यहाँ की राजधानी चंडीगढ़,
और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह, और जो राज्यपाल हैं वो हैं कप्तान सिंह सोलंकी। कौन है? कप्तान सिंह सोलंकी। आइए अब आगे देखते हैं। अब देखिए हरियाणा, हरियाणा की राजधानी कहाँ है? चंडीगढ़। और मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर। मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल है कप्तान सिंह सोलंकी। उसके बाद से देखिए मणिपुर, यहाँ की राजधानी इम्फाल। और मुख्यमंत्री हैं एन बीरेन सिंह। और राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। कौन है? नजमा हेपतुल्ला। अब देखते हैं आगे मध्य प्रदेश, यहाँ की राजधानी जो है वो है भोपाल। और शिवराज सिंह चौहान यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और राज्यपाल राम नरेंद्र यादव। कौन है? राम नरेंद्र यादव। ये देखिए महाराष्ट्र, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। और मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फर्नांडवीस। कौन है? देवेंद्र फर्नांडवीस। और राज्यपाल हैं सी विद्यासागर। अब देखते हैं आगे, यहाँ भी देखिए मेघालय, मेघालय की राजधानी शिलांग। और मुख्यमंत्री हैं कॉनराड संगमा। कॉनराड संगमा। और जो राज्यपाल हैं वो हैं पी षण मुगनाथम, मुगनाथ, पी षण मुगनाथ। कौन है? वी षण मुगनाथ। उसके बाद से देखते हैं आगे राजस्थान, यहाँ की राजधानी जयपुर। और मुख्यमंत्री जो है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया। कौन है? वसुंधरा राजे सिंधिया। और राज्यपाल जो है वो है कल्याण सिंह। उसके बाद से आगे देखिए हिमाचल प्रदेश, यहाँ की राजधानी शिमला। और वो मुख्यमंत्री हैं जय जय ठाकुर प्रसाद। कौन है? जय ठाकुर प्रसाद। और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, आचार्य देवव्रत। अब देखिए सिक्किम, सिक्किम की राजधानी गंगटोक। मुख्यमंत्री वहाँ के पवन कुमार चामलिंग। और राज्यपाल हैं श्रीनिवास पाटिल। कौन है? श्रीनिवास पाटिल। उसके बाद सब आगे देखते हैं मिजोरम, मिजोरम की राजधानी आइजोल। वहाँ के मुख्यमंत्री हैं पू लल्लन हवाला, पू ललथन। वहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है पू ललथन हवाला। और राज्यपाल है निर्भय शर्मा। कौन है? निर्भय शर्मा। अब आगे देखते हैं, आगे देखिए राज्य अरुणाचल प्रदेश, और वहाँ की राजधानी क्या है? ईटानगर। और मुख्यमंत्री है पेमा खांडू, पेमा खांडू। और राज्यपाल है ज्योति प्रसाद राजखोवा, ज्योति प्रसाद राजखोवा। आगे देखते हैं, आगे देखिए गोवा। उसके बाद वहाँ की राजधानी हो गई पणजी। और वहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर पर्रिकर। और राज्यपाल है मृदुला सिन्हा। कौन है? मृदुला सिन्हा। अब आगे देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून। वहाँ के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत। और राज्यपाल है कृष्णकांत पाल। इससे कुछ संबंधित और चीज़ें देख लेते हैं, जैसे उत्तराखंड जो है ये उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। कहाँ, किससे अलग होकर बना है? उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना है। और इसका गठन कब हुआ था? 9 नवंबर 2000 में। कब? 9 नवंबर 2000 में। और किस राज्य से अलग होकर अलग राज्य बना है? उत्तर प्रदेश से। और 9 नवंबर 2000 को ये अलग, मतलब इसका गठन हुआ था। अब वो ये जो है ये भारत का 27वां राज्य है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है 27वां, 28वां, 29वां राज्य, तो ये भारत का 27वां राज्य है। तो आइए अब आगे देखते हैं कौन से बचे हुए हैं। अब बचा है छत्तीसगढ़, इसकी राजधानी रायपुर। और मुख्यमंत्री रमन सिंह, राज्यपाल बलराम दास टंडन। और छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था 1 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। और छत्तीसगढ़ जो है ये मध्य प्रदेश से अलग होकर बना है। किससे अलग हुआ है? मध्य प्रदेश से। छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। इसका गठन 1 नवंबर और 2000 में इसका गठन हुआ था। इसकी राजधानी कहाँ है छत्तीसगढ़ की? रायपुर। और मुख्यमंत्री कौन है? रमन सिंह। और राज्यपाल है बलराम दास टंडन। अब आगे देखते हैं कौन, दो राज्य बच्चे हैं उनको भी देख लेते हैं। यहाँ बचा है झारखंड, झारखंड, झारखंड की राजधानी है रांची। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो है वो है रघुवर दास। और
राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। कौन है? श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। अब इसको देख लेते हैं, ये किससे अलग हुआ था? तो ये बिहार से अलग हुआ है। किससे हुआ है? बिहार से। ये बिहार से अलग हुआ है और इसका गठन 15 नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। झारखंड का गठन कब हुआ था? 15 नवंबर 2000 में। और किस राज्य से अलग हुआ है? बिहार से अलग हुआ है। और इसकी राजधानी है रांची और यहाँ के मुख्यमंत्री हैं रघुवर दास और राज्यपाल हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद से 29वां जो लास्ट का बचा हुआ राज्य ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। यहाँ के वो मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और जो राज्यपाल हैं वो हैं ESL नरसिंहन। कौन है? ESL नरसिंहन। और तेलंगाना जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ। कहाँ से? आंध्र प्रदेश से। तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना है और ये 29वां राज्य है। कौन सा राज्य है? 29वां राज्य। और इसका गठन जो है वो हुआ था 2 जून 2014 में। कब हुआ था इसका गठन? 2 जून 2014 में इसका गठन हुआ था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ ये और ये भारत का 29वां राज्य है। ठीक, तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आप ALP का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखें। धन्यवाद।